ये विक्रेता है, ये किसान है जिससे मैंने जमीन खरीदी है, ये मेरा फोटो लगा हुआ है, स्टैंप लगी हुई है कोर्ट की, आप ये देखो 29/4/24 में मैंने जमीन खरीदी है। मैं एग्रीमेंट पर कोई काम नहीं करता, भाई मैंने एग्रीमेंट पर किसानों से जमीन ले ली और मैं फिर काम कर रहा हूँ। मैं पहले अपने नाम रजिस्ट्री उठाता हूँ और फिर जमीन को आगे बेचता हूँ। मेरे पास ना कोई एजेंट है ना कोई डीलर है, डायरेक्ट मैं ओनर हूँ। अगर कोई बंदा आता है तो उसकी सीधी मेरे से मुलाकात होती है और पॉइंट टू पॉइंट जो भी प्लॉट बिकेगा वो मेरे रेफरेंस में बिकता है। दोस्तों इस समय हम खड़े हैं अभी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की कनेक्टिविटी पे। यहाँ से आप मुश्किल से 10-15 किलोमीटर पे चढ़ जाओगे मुंबई एक्सप्रेस वे पे, दिल्ली मुंबई वडोदरा वाले पे, और यही एक किस्म से इसको दिल्ली मुंबई ही कह सकते हैं क्योंकि नोएडा से तो अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और अभी हम जहाँ खड़े हैं सामने आपको एक कंपनी दिख रही होगी, इसमें जूम कर दीजिए, जहाँ से हाईवा आ रहा है, तो आप ये जो कंपनी देख रहे हैं इसी कंपनी के बिल्कुल ठीक सामने ही साइट होने वाली है दोस्तों। ये जेसीबी कंपनी है और मैंने जैसे नए प्रोजेक्ट की आपको रजिस्ट्री दिखाई, ये जेसीबी कंपनी के बैक साइड में यानी यहाँ से 1 किलोमीटर के पीछे हमारा ये नया प्रोजेक्ट जो 10,000 रुपये गज का है, जिसमें हम 1,000 रुपये गज का 6 महीने के टाइम पर डिस्काउंट कर रहे हैं, वो वाला प्रोजेक्ट ये जेसीबी के पास। अभी खड़े हैं हम नीचे तो दिल्ली मथुरा हाईवे पे खड़े हैं और सामने से जो हाईवे जा रहा है ना आपको दिखाई दे रहा है ऊपर से जी, वो बम्बई एक्सप्रेस वे है, बम्बई बड़ौदा एक्सप्रेस वे। चढ़ने के लिए सर कट भी है जैसे कि अर्टिगा गाड़ी चढ़ रही है, चढ़ रहे हैं जो आप रोड देख सकते हो, ऊपर जाने का रास्ता है और उधर से आने का भी है, दोनों तरफ से यहाँ से चढ़ना है यहीं से उतरना है और इसी के साथ में प्रोजेक्ट है। नमस्कार दोस्तों, मैं विकल्प स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विकल्प प्रॉपर्टी व्लॉग्स में। दोस्तों एक बार फिर से हम आ चुके हैं भारत ग्रीन सिटी डेवलपर्स के ऑफिस में और हमारे साथ है सतवीर सर। सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, कैसे हो? तो सर पिछली वीडियो का पे बहुत प्यार दिया लोगों ने और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी आए, तो इसके बारे में सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि पिछली वीडियो से कितना प्यार मिला है दर्शकों का और ऑफिस का एड्रेस भी सर बता दीजिए साथ में। पिछली जो वीडियो बनी थी हमारी, उस वीडियो से हमें इतना काम मिला, इतना प्लॉट बिके हमारे, वो क्यों बिके? क्योंकि देखिए जेन्युइनिटी को ढूंढते हैं आजकल। बिल्कुल सर, मेरे पास ना कोई एजेंट है ना कोई डीलर है, डायरेक्ट मैं ओनर हूँ। अगर कोई बंदा आता है तो उसकी सीधी मेरे से मुलाकात होती है और पॉइंट टू पॉइंट जो भी प्लॉट बिकेगा वो मेरे रेफरेंस में बिकता है, ताकि मुझे उस प्लॉट पे नॉलेज बनी रहती है कि ये प्लॉट इसका है, ताकि कोई प्लॉट को अदला बदली ना कर सके। किसी भी तरीके के कोई चांसेस क्योंकि गड़बड़ के होने के वहां होते हैं जहां बीच में लाइजनिंग हो रही हो या ब्रोकर हो? देखिए ऐसा होता है जहां ब्रोकर होते हैं ना डीलर, वो कस्टमरों से क्या बात कर रहे हैं वो ओनर को पता नहीं होती जी। मेरे यहाँ पे का अलग सिस्टम है कि यहाँ पे आप लोग सीधी कॉल करते हो हमारे पास, मेरे पास आते हो, तो जितने भी प्लॉट हैं एक एक प्लॉट मेरी नॉलेज में बिकता है, तो कौन सा प्लॉट किस बंदे को दिया है उसी का बंदे का प्लॉट रहेगा, तो हमारे तो इसलिए यहाँ चेंज का तो कोई मतलब ही नहीं, जो प्लॉट जिसका है वो उसी का रहेगा। और रजिस्ट्री वाले प्रोजेक्ट है सारे प्रोजेक्ट रजिस्ट्री के। मैं एग्रीमेंट पर कोई काम नहीं करता, भाई मैंने एग्रीमेंट पर किसानों से जमीन ले ली और मैं फिर काम कर रहा हूँ। मैं पहले अपने नाम रजिस्ट्री उठाता हूँ और फिर जमीन को आगे बेचता हूँ। मतलब इसमें वो नहीं है कि बीच में जहाँ पे किसान का चक्कर होता है? किसान का कोई चक्कर नहीं होता, किसान से तो हमने जब खरीदी है तो उसकी पूरी पेमेंट कर दी, उसका अलग है, जमीन हमारी है और हम बेच रहे हैं आगे। आपको मैं दिखा देता हूँ, ये रजिस्ट्रियाँ पड़ी है मेरे पास, ये रजिस्ट्रियाँ भी मैंने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करा है राजा नार सिंह से कोई 2.5-3 किलोमीटर की दूरी पर, राजा नार सिंह मेट्रो स्टेशन से सहया जेसीबी कंपनी है जहाँ मशीन बनती है जेसीबी, उसकी बैक साइड में ही सेक्टर 58 में सेक्टर 58 में मैंने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसका रेट 10,000 रुपये गज है, 12 का भी रेट है, 10 का भी रेट है। एक प्रोजेक्ट मेरा सेक्टर 58 इसमें हो गया 8 में और एक प्रोजेक्ट मेरा 59 में है, उसमें भी 10-12 का रेट है। दोनों प्रोजेक्टों में से कहीं भी कोई साइड ले सकता है बंदा। और ये सर हमारी रजिस्ट्री जो हमने करवाई है, ये रजिस्ट्री जो हमारी है सेक्टर 58 वाले प्रोजेक्ट की है, जेसीबी के पास वाले जी। आप इसमें डेट देखो यहाँ पे, ठीक है जी, ये देखो, ये विक्रेता है, ये किसान है जिससे मैंने जमीन खरीदी है, ये मेरा फोटो लगा हुआ है, स्टैंप लगी हुई है कोर्ट की, आप ये देखो 29/4/24 में मैंने जमीन खरीदी है। आपको ये एक एक पेज देखो, केविट खतौनी नंबर से लेकर सारी चीजें इसमें हैं, सारा डाटा होगा, देख लो आप, ठीक है जी। और देखो ये देखो स्टैंप लगी हुई है, साइन हुए हैं अथॉरिटी के, ये दूसरे पेज में भी देखो और तीसरे पेज में भी देखो, ये स्टैंप लग रही है ना लग रही जी? जी साइन हो रहे हैं। और ये जो वांसकन तहसील में जब रजिस्ट्री होती है तो वो कंप्यूटर पर फोटो होते हैं, जो विक्रेता है उसका फोटो यहाँ आएगा, मैं क्रेता हूँ, खरीदार मेरा यहाँ आएगा। ये मैंने जो जमीन ली है नई साइड वाली, उसकी रजिस्ट्री अपने नाम उठा ली। तो देखिए दोस्तों
इतनी क्लैरिटी से सर ही हैं जो आपको वीडियो में ही एक एक चीज बिल्कुल दिखाते हैं। आजकल लोग फोटो दिखाते हैं रजिस्ट्री की, हाथ रख लेते हैं उसमें, नहीं पूरा देखो ना, नाम पे हाथ रख लेते हैं, कोई हाथ रखने का या दूर से यूं दिखा करके रख देते हैं। तो सर ने बिल्कुल क्लैरिटी से आपको एक एक चीज, आप रीड कर सकते हो वीडियो को बार बार स्लो करके पॉज करके एक एक चीज पढ़ लोगे। तो रजिस्ट्री उठा करके सर काम करते हैं बीच एक में। चीज और मैं आपको दिखा दूं, आप इधर आ जाओ, ये जो रसीद लगी हुई है ना, आप देखो इसको, ये रसीद को पढ़ो पूरा, दिखाओ इस पर क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, आप पढ़िए इसको। इंतकाल फीस है ये जी, जिस दिन रजिस्ट्री हुई है उसके दिन ही ऑनलाइन सारी सारी कट जाती है, ताकि दाखिल खारिज जम जाए, मतलब दाखिल खारिज की रिसिप्ट है, रिसिप्ट है हाँ। 22 दिन में वहां से वो दाखिल खारिज वापस ऑनलाइन मिल जाता है, क्योंकि अभी 29 को ही रजिस्ट्री कराई है, एकदम तो चढ़ नहीं जाएगा दाखिल खारिज। नहीं तो हमने रसीद उसी दिन कटवा दी ना, सरकारी फीस भर दी, तो 22 दिन के अंदर दाखिल खारिज मिल जाएगा, दाखिल खारिज मिल जाएगा। तो टाइटल क्लियर है, चैन क्लियर है हाँ। और दूसरी बात कि ये ड्राइंग जो है सेक्टर 58 वाले की है जी, ये ड्राइंग जो है पृथ्वी इंडस्ट्री वाले की है, ये ड्राइंग जाजरू वाले प्रोजेक्ट की है, ठीक है जी। तो हमारे पास में सर आज जो हम चलेंगे किस वाली साइड पे चलने वाले हैं, इधर हाँ जी हाँ जी, आज हम जो दिखाएंगे इस वीडियो के अंदर सेक्टर 58 वाली दिखाएंगे। अगर इसमें कोई कस्टमर नगद पेमेंट करता है जी 6 महीने के अंदर, तो 1000 रुपये गज का डिस्काउंट है उसके लिए, 10000 रुपये गज का रेट है। यानी कि अगर नगद पेमेंट करता है तो 50 महीने के प्लॉट पे, हाँ, 6 महीने तक नगद का रेट, 50000 रुपये का छूट हो गया सर 50 गज के प्लॉट पे, हाँ 50 गज के 50000 रुपये कम हो गए सीधे। तो चले सर बिना देरी किए साइड पे, अगर किसी क्लाइंट को ऑफिस पे आना है तो उसको ये नीलम बाटा मेट्रो स्टेशन यूज करना है, यहाँ पे उतरना है आगे, यहाँ उतरोगे गेट नंबर 2 पे या 3 पे फोन करोगे, यहाँ से नजदीक है हमारा ऑफिस और यहाँ से हम विजिट करवा देंगे आपको। भैया ये हमारी साइट है जो भी नई हमने ली है, हाँ जिसकी आपको मैंने रजिस्ट्री दिखाई है, ये वो वाला प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट आबादी के अंदर है, आप आबादी भी देख सकते हो, मकान बने हैं, लोग मौके पर रह रहे हैं। तो भैया इसमें डिमार्केशन वगैरह निशान रस्ते कब तक कर देंगे हम? ये अभी आप नया लॉन्च करा, आज फर्स्ट वीडियो डाल रहे हो आप रजिस्ट्री के बाद में, तो आगे इसमें सड़क वड़क सारी चीज़ बने, अगली वीडियो में आपको सारी चीज़ देखने को मिलेगी। मतलब 1 महीने के अंदर अंदर? नहीं 15 दिन के अंदर सारी चीज़ें हो जाएंगी तैयार। 15 दिन के अंदर इसमें रस्ते वगैरह सारी चीज़ें, टहल वाली सड़क भी बनेगी इसमें और सारे प्लॉटों की डिमार्केशन उसके ईंटों से करवा देंगे। तो भैया इसके अलावा भी हमारा जो रनिंग प्रोजेक्ट है उसको भी दिखवाते हैं? रनिंग प्रोजेक्ट है वो भी दिखवा देते हैं, सेक्टर 59 में ही है वो भी। तो भैया यहाँ पे जैसे कोई फार्म हाउस लेना चाहे वो भी मिल जाएगा क्या? यहाँ आपको 600 गज का, 605 गज का, 300 गज का, 1210 गज का, 2400 गज का और 4800 गज का, 1 एकड़ से 2-10 एकड़ तक यहाँ की जमीन हम फार्म हाउस दे देंगे। दोस्तों आ चुके हैं हम साइट पर और जानते हैं सर इस साइट की क्या लोकेशन पड़ती है। ये लोकेशन पड़ेगी आपकी बल्लभगढ़ JCB के नज़दीक पड़ेगी है जी। यहाँ ये जो नया प्रोजेक्ट है ये वो वाला प्रोजेक्ट राजा नाहर सिंह जो मेट्रो स्टेशन है, हाँ उसे 2-2.5-3 किलोमीटर की दूरी, 2-2.5-3 किलोमीटर। तो सर यहाँ पे जैसे कि दिख रहे हैं टाइल वाइल का रोड भी आपने दे रखा है, देखो जितनी भी कॉलोनी हमने काटी है सब में रोड ऐसे ही तरीके के बना के देते हैं, समय तो लगता है जी डेवलप होने में, क्योंकि पक्का करके देते हैं सारा काम, हमारा जो काम है बिजली पानी का वो करके देते हैं। तो सर यहाँ से अगर मैं बात करूँ जैसे मार्केट हो गया कितनी दूरी पर है, स्कूल कितनी दूरी पर है? देखो यहाँ पे पल्लवगढ़ का तो बाजार लगेगा और बल्लभगढ़ का ही मेट्रो स्टेशन है, बल्लभगढ़ का ही रेलवे स्टेशन लगी, ठीक है। शिकुल कॉलेज यहाँ पे सारे नज़दीक है, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, 500 मीटर की दूरी पे, 1 किलोमीटर की दूरी पे, प्राइवेट स्कूल भी है सरकारी स्कूल। वैन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं नहीं ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों स्कूल सरकारी प्राइवेट दोनों नज़दीक है, 1 किलोमीटर के रेंज में ही सारे स्कूल हैं, मार्केट वगैरह भी पास में ही है। अब बात करते हैं सर यहाँ से, जैसे हमने आते हुए देखा कई सारी फैक्ट्रीज है यहाँ पे, देखो ये इंडस्ट्री का हब है, यहाँ पे रोजगार बहुत अच्छा है, यहाँ पे आपने देखा है मैंने आपको अपना शूट भी किया उन चीज़ों को, तो यहाँ पे काम करने वाले लोगों की कमी है, काम की कमी नहीं, मतलब रोजगार। अब आपका घर ऐसी जगह पर हो जहाँ घर से निकलो और आपको फैक्ट्री मिल जाए, रोजगार मिल जाए काम करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इंडस्ट्रियल एरिया नज़दीक है, कई सारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है, आपने देखा होगा अशोक लेलैंड की फैक्ट्री है, JCB तो है ही, बिल्कुल JCB। देखिए हमारे पास अभी यहाँ पे प्रेजेंट में 3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं जी, जो कि बम्बई बड़ौदा के नज़दीक है जी, जो प्रोजेक्ट दिखाया था मैंने जाजरू वाला जी, एक प्रोजेक्ट मैंने अभी JCB कंपनी के पीछे लिया है, सेक्टर 58 में ट्रांसपोर्ट नगर है, झारसेंतरी के पीछे, वो मैंने अभी आपको विजिट करवाया था,
और ये प्रोजेक्ट हमारा आपने पहले भी देखा, इस प्रोजेक्ट में भी हमारे पास 10-20 प्लॉट अभी बचे हुए, मतलब अगर किसी को पसंद ये आता है तो यहाँ आता है भी तो मिल जाएगा। इसमें तो 12,000 से नीचे नहीं, इसमें 12 से नीचे 12 और सेक्टर 58 वाले जेसीबी वाले में 10,000 से स्टार्ट है। ठीक है, और सर हमारे पास सबसे सस्ता क्या रेट है प्रॉपर्टी का? सबसे सस्ता जो प्रोजेक्ट है वो पलवल से 15 किलोमीटर आगे है, मुंडकट्टी नियर बाई पड़ता है, JBM कंपनी है जिसमें बस बनती है इसी वाली जी। उसके साथ में जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट का हाईवे से 0.5 किलोमीटर अंदर है, रेलवे स्टेशन भी है, रेलवे स्टेशन से वापस हाईवे की तरफ आना पड़ेगा। 8,000 रुपये गज का नगद में रेट है उस प्रोजेक्ट का, हाईवे के साथ में चाहिए तो 8,000। इसके अलावा हमारे एक प्रोजेक्ट और है वहाँ पे जो है बंचारी मेन रोड से 2 किलोमीटर अंदर, यानी बंचारी का जो रेलवे स्टेशन है उसके नियर बाई है 200-300 मीटर की दूरी पर, वो प्रोजेक्ट है 5,000 रुपये गज और 6,000 रुपये गज के हिसाब से। 5,000 रुपये गज और 6,000 रुपये सबसे सस्ता प्रोजेक्ट यही है। मिनिमम साइज क्या होगा सर उसमें? उसमें 50 गज के, 40 गज के, 30 गज के, 100 गज के, 80 गज के, 200 गज के, 150 गज के भी चाहिए। मतलब 30 गज का प्लॉट 1.5 लाख का मिल जाएगा? हाँ, 30 गज का प्लॉट 1.5 लाख। और जैसे कि ये जो लोकेशन है सर, ये तो पूरी आबादी पे है और मेन बल्लभगढ़ में है, ये बल्लभगढ़ में है। ये मैंने आपको 3 प्रोजेक्ट बताए हैं, एक प्रोजेक्ट है हमारा बम्बई बड़ौदा के साथ में जो NH2 हाईवे भी लगता है जाजरू में, जिसका रेट भी 10-12,000 रुपये का है। एक प्रोजेक्ट हमने भी JCB के पीछे लिया है सेक्टर 58 में, वो प्रोजेक्ट का रेट 10,000 रुपये का से स्टार्ट है। उसमें उस प्रोजेक्ट के अंदर, हाँ, जिसकी हमने अभी आपको वीडियो में रजिस्ट्री दिखाई थी, उस प्रोजेक्ट के अंदर 6 महीने में कोई पेमेंट करता है तो उसमें सीधा 50,000 रुपये का डिस्काउंट है, नगद लेने में 6 महीने का टाइम, नगद लेने पर। और वैसे सर अगर हम बात करें किस्तों में अगर कोई लेना चाहे कितना समय दे देते हैं हम? तो उसमें 1 साल 2 साल 1.5 साल तक का समय हम दे देते हैं, टोटल 2 साल तक का समय। 20-30% के बीच में हमें एडवांस चाहिए जी, बाकी EMI पे पोजीशन के लिए। हाँ जी, 20% पोजीशन पे दे देंगे, 20-30% के बीच में जमा कर देंगे। तो अगर आपको देखिए पोजीशन चाहिए तो 20-30% पे सर पोजीशन। अभी देखिए सर के प्रोजेक्ट कई सारे चल रहे हैं लेकिन आपको उसके लिए आना पड़ेगा, आप आओ ऑन टेबल ऑफिस पे बैठ करके सर से बात करो। सर ऑफिस अगर जैसे कोई आना चाहे तो नियरेस्ट कौन सा मेट्रो स्टेशन पर? देखिए अगर दिल्ली से कोई कस्टमर आता है तो उसको ऑफिस के लिए उतरने के लिए ऑफिस पे आना तो उतरना पड़ेगा नीलम मेट्रो स्टेशन या बाटरा मेट्रो स्टेशन, ये दोनों ही ऑफिस के नज़दीक है। वहाँ पे पहुँच के हमें कॉल करेगा, हम अपनी गाड़ी भेजेंगे, आपको प्लॉट विजिट करवाएंगे, रजिस्ट्री पेपर दिखाएंगे, दाखिल खारिज दिखाएंगे, मोटेशन दिखाएंगे, सारी चीज़ें दिखाएंगे और आपको प्लॉट विजिट करवाएंगे। लेकिन कोई भाई अगर आ रहा है तो वो अपने जो भी प्लॉट को फाइनल करने वाला है डिसीजन लेगा प्लॉट में विजिट करने के बाद जी, उसको साथ लेगा हमें, पैसा तो पूरा कोई लेके नहीं चलता, ब्याने का अमाउंट जरूर लेगा हमें ताकि ये हमें प्लॉट पसंद है जी, उसके बाद चाहे 10 दिन में 15 दिन में अपनी लिखा पढ़ी करवा लो, रजिस्ट्री करवा लो, एग्रीमेंट करवा लो। तो ब्याने तक कर 5-10 हज़ार रुपये जरूर लाएँ ताकि ब्याना करके आप हमसे 10-5 दिन का टाइम लेके जाएँ और जो डिसीजन मेकर है साथ में उसको साथ लेकर, मतलब जिसको मेन होता है ना कि आप प्लॉट देखने आए, आज आपने देखा, समय अपना भी खराब किया, सर का भी खराब, फिर आपका हो गया, अब हम आएंगे उनको लेकर जो डिसीजन लेंगे। हाँ वो गलत है, आपका भी समय खराब होता है, हमारा भी खराब होता है। तो आप आए, समय की अपनी कीमत है, तो आप उसको लेकर के आइए जिसको फाइनल डिसीजन लेना हो। साथ में गाड़ी की सुविधा सर आपको देख रहे हैं मेट्रो स्टेशन से विजिट, आप 6 लोग भी आ जाओगे तो भी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे दोस्तों सर ने आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें कर दी हैं क्लियर, पास में हर तरीके की जमीन मिल जाएगी, हर तरीके का प्लॉट मिल जाएगा, बसावट में चाहिए बसावट में मिलेगा, मेट्रो के नियर चाहिए नियर मिलेगा, दूर चाहिए सस्ता चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए वो भी मिलेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि डायरेक्ट ओनर से आपकी बात हो रही है, आप शुरुआत में देख चुके हो वीडियो में। नया जो प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया बल्लभगढ़ मेट्रो के नज़दीक JCB के पीछे जी, उस प्रोजेक्ट का जो रेट मैं दोबारा से फिर बता देता हूँ, 10,000 रुपये गज का रेट है। अगर कोई भाई उसको 6 महीने के टाइम में पेमेंट निपटाता है, नगद लेता है, तो सीधा उस पर 1,000 रुपये गज का डिस्काउंट है, यानी 50,000 रुपये गज का प्लॉट पर 50 गज के पर फायदा हो जाएगा। 50 गज के प्लॉट पर 50,000 रुपये की छूट है और 100 गज लोगे तो 1 लाख की छूट। 1 लाख की, मतलब जितने गज का प्लॉट ले रहे हो उतने 1,000 की छूट मिल रही है आपको। बिल्कुल बिल्कुल। तो जल्दी से करिए संपर्क भारत ग्रीन सिटी डेवलपर्स से, सतवीर सर से करिए बात, स्क्रीन पर आ रहा नंबर। मैं विकल्प लेता हूँ विदा, मिलता हूँ ऐसी किसी नई वीडियो नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।